हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास हिल्टन कंपनी का एक लोकल ब्रांड का टीवी है। ये हमारा 17 इंच का एक टीवी लेके आया है कस्टमर ने। ये इसका प्रॉब्लम देखूंगा, सोल्यूशन निकालूंगा और इसका जो प्रॉब्लम है उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करेंगे, पहले टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद हमारा स्क्रीन पर कैसे वाला पिक्चर आएगा वो चेक करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा पिक्चर तो आ चुका है, लेकिन इसका जो आज का जो प्रॉब्लम लेके आया हूँ ये हमारा कुछ कलर का डिफेक्ट प्रॉब्लम आया है। देखिए ये जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है, ये जो पीछे वाला जो ग्रीन वाला जो पोजीशन दिख रहा है, ये देखिए जो हमारा ग्रीन वाला जो पोजीशन दिख रहा है ये, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, ये हमारा ब्लू का पोजीशन है। देखिए ये वाला हमें स्क्रीन ऑन करके रखा था, ये वाला जो ब्लू वाला बैकग्राउंड है ये हो गया है ये ग्रीन। और जो हमारा ये वाला देखिए जो स्क्रीन है, एक स्क्रीन निकल के आया है ऐसे वाला। जैसे हमारा जो पिक्चर का जो हमारा जो कैरेक्टर निकलता है, जो हमारा इंसान कोई भी इंसान निकलता है उसका जो फेस का जो कलर होता है वो वाला कलर हमारा नहीं है। ये हमारा लकड़ी का कलर जो होना चाहिए था ये लकड़ी का कलर नहीं है। और जैसे देखिए दोस्तों, हमारा जो डीडी लोगो का जो हमारा ये वाला योलो वाला जो पोजीशन है, ये योलो वाला पोजीशन हमारा ऐसे वाला पिंक वाला आ चुका है। जैसे हमारा लोगो का जो फेस पे आया है ऐसे वाला पिक्चर आ गया है, मतलब कलर का डिफेक्टिव प्रॉब्लम आया है। जो इसका ग्रीन वाला पोजीशन रेड ब्लू हो गया है, ब्लू वाला पोजीशन ग्रीन हो गया है, और रेड वाला पोजीशन सही लेके रखा है, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेड और ग्रीन हमारा एक्सचेंज हो गया है, इसका डिफेक्टिव जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन कैसे निकलता है उसको बारे में बताने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए ये वाला वीडियो बनाते हैं, कैसे इसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैं टीवी को खोल के उसको देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताते रहेंगे और इसको रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। और एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो कलर दिख रहा है आप लोगों को, एक कलर के लेकिन हमारा ये जो डिपारिंग दिख रहा है ये हमारा कैमरे का वजह से नहीं है, ये हमारे पिक्चर के साथ ही हो रहा है। ये हमारा कुछ जो बॉर्डर सा आ गया है, और ये देखिए फिकरिंग हो रहा है, कलर भी फिकरिंग हो रहा है और हमारा पिक्चर भी कलर सही तरीके से सही जगह पर नहीं है। इसीलिए फिकरिंग को बंद करना है और हमारा कलर को सही पोजिशन पर लेके आना है। और ये वाला प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है देखते हैं दोस्तों। देखिए जो रेड वाला पोजीशन होता है, ये रेड वाला पोजीशन पे आपको कलर बिगिनिंग दिखेगा। देखिए कैसे वाला कलर बाहर आ रहा है और हमारा फिकरिंग हो रहा है पिक्चर को। और भी अच्छे तरह से देखने के लिए मैं एक पैटर्न निकाला हूँ, और पैटर्न पे दिखेगा आप लोगों को फिकरिंग, जैसे कलर कैसे फिकरिंग हो रहा है। तो देखिए जैसे रेड ग्रीन ब्लू जो हमारा सब कलर ही है, लेकिन इस पर कुछ डिफरेंस है। जैसे मैं दिखाऊंगा डिफरेंस कैसे हुआ, पहले वाला जो पोजीशन है हमारा ब्लैक का है, ये देखिए हमारा जो एलईडी है उस पर ब्लैक दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो है हमारा ब्लू का है, लेकिन इस पर दिखेगा ब्लू पे हमारा दिख रहा है ये वाला ग्रीन। और जो हमारा रेड वाला है, रेड कुछ हल्का सा हो गया है, और ये पिंक हो गया है, रेड हमारा पिंक हो गया है और पिंक हमारा रेड हो गया है, और जो हमारा ग्रीन होना चाहिए वो हमारा हो गया है नीला हो गया है, जो स्काई कलर होता है। और ये वाला हो गया है हमारा ग्रीन, ये ग्रीन नहीं है, ये हमारा कुछ अलग सा जो हमारा स्काई कलर होता है वो वाला है, लेकिन ये हमारा ग्रीन हो गया है। ग्रीन हमारा स्काई हो गया है और नीला हो गया है, और नीला हमारा स्काई हो गया, जो हमारा ग्रीन हो गया है ये ब्लू हो गया है और पलट गया है। जैसे हमारा पिंक पलट गया है रेड के साथ, वो हमारा ग्रीन चेंज हो गया है हमारे ब्लू के साथ। और ये वाला जो कलर दिख रहा है आप लोगों को, ये कलर जो हल्का सा नीला जो कलर है वो दिख रहा है वो, लेकिन हमारा योलो वाला कलर है,
और सफ़ेद तो सफ़ेद है, लेकिन ये दोनों कलर देखिए कुछ अलग अलग सा हो गया है, जो चेंज हो गया है। मतलब दोस्तों ये तो फिकरिंग तो एक तो हो रहा है, लेकिन दूसरा जो हो रहा है हमारा कलर जो जिस पे होना चाहिए वो उस पे नहीं है, नीला हो गया है ग्रीन, और ग्रीन हो गया है नीला, रेड हो गया है हमारा जो पिंक कलर, और पिंक कलर हो गया है रेड, ब्लू हो गया है ग्रीन, ग्रीन हो गया ब्लू। मतलब ऐसे वाला प्रॉब्लम आप लोगों को शायद मिला होगा, इसीलिए वाला वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को काम करने के लिए आसान होगा कैसे होता है इसका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है दोस्तों, मैं घुमा लेता हूँ पहले टीवी को। दोस्तों मैंने टीवी को खोल कर घुमा चुका हूँ, और घुमाने के बाद देखिए ये हमारा 17 इंच का ट्यूब है, इसका योक कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है ये तो था, लेकिन और एक प्रॉब्लम था इस पर। जब टीवी पिक्चर हमारा ऑन करता था तो क्या होगा, पीछे नीचे साइड का पिक्चर थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाता, और थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा हीट करता है इस हीट सिंक को, और हमारा पिक्चर जो है वो हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता था, सिंगल लाइन पे आ जाता था। मैंने जब चेक किया तो ये वाला आईसी ख़राब निकला, तो LA7804 का ये वाला आईसी है, ये वाला आईसी को मैंने क्या किया, नया वाला लगा के इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन दूसरा जब मैंने देखा जो कलर का प्रॉब्लम, तो मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा, तो चलते हैं वो वाला वीडियो बनाता है। तो मैंने जब चेक किया पूरी तरह से सभी का वोल्टेज सही निकला, जो जो जहाँ जहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे क्यों मैं बता रहा हूँ, जो जिसका रेड वाला कलर का वोल्टेज, नीला वाला कलर का वोल्टेज, और हमारा ग्रीन वाला कलर का वोल्टेज, सभी वोल्टेज हमारा सही तरीके से आ रहा था। देखिए दोस्तों मैं चेक करके भाई भी बता देता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ, पावर देने के बाद सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे हमारा कलर सेक्शन का पहले चेक करते हैं, जैसे ये वाला देखिए रेड ग्रीन ब्लू का हमारा पॉइंट है, तो इस पर एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे इस रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं, पहले बार जो हमारा वोल्टेज दिखेगा वो 1.3 बता रहा है, दूसरा नंबर पर वोल्टेज चेक करते हैं वो भी 1.3 बता रहा है, तीसरा भी देखिए 1.3 बता रहा है। क्यों 1.3 बता रहा है, इसीलिए मेरा ए बार स्क्रीन हमारा पूरी तरह से ब्लैक होकर आया है और हिल्टन लिखा दिख रहा है। मतलब दोस्तों तीनों का कलर हमारा सेम तरीके से आ रहा है। उसके बाद ये वाला वोल्टेज हमारा बेस पीसीबी पे आया है कि नहीं वो चेक करते हैं। जैसे पहले नंबर होता है हमारा ये ग्राउंड होता है, दोस्तों देखिए 0 वोल्ट बता रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट पे हमारा 1.4 बता रहा है, तीसरा पे 1.3 बता रहा है, चौथा पे हमारा 1.3 बता रहा है, और लास्ट वाला जो है वो लास्ट वाला पे बता रहा है हमारा 9 वोल्ट, जो हमारा 8.3 वोल्ट बता रहा है। जो हमारा इनपुट हुआ था इस पे आई के लिए वही वोल्टेज इस पे मिलेगा, और तीनों का सभी का कलर का जो फॉयल है, जो वायर है, वो वायर हमारा सेम तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद हमारा आउटपुट पे भी चेक करते हैं, जैसे इस पे चेक करेंगे जो आउटपुट मतलब हमारा बेस पे चेक करते हैं, जैसे इस पे मिलेगा 1.16 और जो हमारा ये वाला ब्लू होता है, ये वाला रेड होता है, इस पे 1.15 बता रहा है, और ये वाला होता है हमारा ग्रीन, इस पे 1.16 बता रहा है। मतलब सभी का सेम वोल्टेज है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कलर का कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे कलर शिफ्टिंग हो गया है। जैसे दोस्तों एक चीज़ होता है हमारा ये वाला इप्रोम आईसी पे डाटा खराब हो जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दो, हमारा ये वाला कलर को कंट्रोल नहीं करता है, ये सिर्फ डाटा को कंट्रोल करता है, वो इनपुट करता है और आउटपुट करता है। जैसे कोई भी सिस्टम चल रहा है उसको ऑन करता है, ऑन करने के बाद जब मैं ऑफ करूँगा सिस्टम को तो तुरंत डाटा इसको स्टोर कर लेता है, और जब आप फिर से स्टार्टिंग करूँगा इससे डाटा वो मेन आईसी को दे देगा। लेकिन एक चीज़ बता दो दोस्तों, हमारा सिस्टम को कंट्रोल होता है हमारा मेन आईसी, मेन प्रोसेसर ही पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, ये मेन आईसी को चेंज करना ज़रूरी होता है। फिर भी मैं एक बार 8 वोल्ट को चेक कर लिया हूँ, ये देखिए 8 वोल्ट चेक कर लिया हूँ, फिर एक बार 5 वोल्ट को भी चेक करेंगे, देखिए सभी वोल्टेज सेम है। इसका मतलब हमारा ये मेन वाला आईसी हमारा ख़राब हो चुका है,
और ये वाला आईसी को मैं चेंज करूँगा। ठीक है, मैं एक आईसी को लेके आता हूँ, ये वाला मैं ये आईसी लेके आया हूँ। इस पे हमारा लगाया हुआ था 8895 लगाया हुआ था, इस पे 93 लगाऊंगा। देखिए काम करता है कि नहीं, क्योंकि सेम ही काम करेगा। जो भी हो, ये वाला आईसी को इस पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या किया, ये वाला जो आईसी था, जो हमारा मेन प्रोसेसर था, मेन प्रोसेसर ही हमारा ख़राब था, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इसीलिए ये वाला जो हमारा प्रोसेसर लगाया हुआ था 8895C SNG7E35 का, ये वाला मैंने 88 जो 8895 का जगह पे मैं 889 देखिए 93 लगाया हूँ, और 93 भी काम करेगा, सेम ही काम करेगा, सेम आईसी है। और लगाने के बाद जो आज का जो प्रॉब्लम था, वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जिस जगह पे जो कलर होना चाहिए वो कलर आ गया है, और हमारा फिकरिंग भी नहीं हो रहा है, और हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। देखिए मैं टीवी को पावर देने के बाद, देखिए दोस्तों हमारा कलर जो पैटर्न था वो कलर पैटर्न सही हो गया है। मैं एक कलर और एक कलर को बीच में दिखा के आप लोगों को सही कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, मैं टीवी को पहले पीसीबी को सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग करने के बाद इसको पलट के, टीवी को पलट के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ, और घुमाने के बाद मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर इंडिकेटर ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद हमारा जो स्क्रीन पे जो पिक्चर आएगा वो चेकिंग करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, जैसे जो जो कलर जहाँ पे होना चाहिए वो कलर आता है कि नहीं। दोस्तों देखिए मेरा पूरा सिस्टम पर वो कलर आ चुका है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। एक तो कलर हमारा ऐसे वाला रेड वाला, ब्लैक ब्लू रेड पिंक, ये देखिए ब्लैक ब्लू रेड पिंक, ग्रीन, ये वाला भी स्काई ब्लू, और ये वाला हमारा येलो वाला है, ये हल्का सा दिख रहा है CRT पे, और ये वाला हमारा सफ़ेद वाला है। देखिए ग्रीन, स्काई ब्लू, येलो, सफ़ेद, सभी कलर आ चुका है। और एक बार मैं पूरी तरह से दिखा देता हूँ, देखिए जहाँ जो कलर होना चाहिए वो कलर आ चुका है। मैं एक पिक्चर पे भी दे देता हूँ, जैसे मैं पिक्चर देने के बाद देखिए एक कुछ हल्का सा लाइट हो गया है, मैं लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैं लाइट को बढ़ा दिया हूँ, और जो जहाँ पे कलर होना चाहिए वो कलर भी आ चुका है। देखिए ये हमारा कुछ जो येलो वाला जो कलर था, जो डीडी का जो कलर था, ये हमारा हल्का सा पिंक हो गया था। ये देखिए ये वाला येलो वाला जो कलर था वो येलो कलर इस पर आ चुका है, और तो रेड तो हमारा सही तरीके से जगह पे था, और ब्लू जो स्किन दिख रहा है ये हमारा तब ग्रीन पे आ चुका था। और इसीलिए जो कोई इंसान का फेस आ जाता था तो उस पर पिंक कलर आ जाता था, लेकिन अभी सही तरीके से कलर ऑन हो चुका है। मैं और एक पिक्चर चेंज कर देता हूँ, और ये देखिए हमारा कलर सही तरीके से सही जगह पे जहाँ जहाँ होना चाहिए वो कलर सही तरीके से आ चुका है। ठीक है, ऐसी तरह का वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लिखाऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, दो बार रिपीट हो गया, जो भी हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।